इधर तो आओ, इस पन्नी में आपके लिए कुछ है। एनिवर्सरी का गिफ्ट है। कच्चा भी नहीं है। तभी कुछ नहीं लाती हूँ। अरे यार थोड़ा पसंद तो आना चाहिए ना। ये तो सही बात है भाई। करो आप, अभी हम लोग हैं सरन के अंदर। तो अभी हम लोग आए हैं बिजनेस डील के लिए। सो यहाँ पे एक भैया मिले हैं, उनका नाम है, क्या नाम है आपका? रवि सोन। तो फाइनली कब आ गए आज से काम? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, चलो अपने एंजॉय किया होगा। सो अभी भी टाइम हो रहा है, एक बज गया है फिलहाल। सोंटी भाई का जस्ट कॉल आया था, उनको कुछ काम है, मार्केट जाना है। तो मार्केट जाने से पहले हमारे घर के नीचे पे एक पार्टी वार्टी चल रही है, मतलब किसी की शादी है, वहाँ पे जाना है एक बार। लगे आज खाना भी खा के जाएंगे सोंटी भाई और मैं, तो लेट्स गो, वहीं चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे मार्केट को। कहाँ जा रहे हो भाई? जहाँ देखी शादी वहीं घुस जाओगे क्या? बाजार जा रहा हूँ, तुम लोग जाओगे? वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं मोंटी भाई। जहाँ देखी शादी वहीं घुस जा रहे हैं, चेक कर लो। महिला संगीत है बाबू, इधर आज वैसे भी शादी नहीं है। तू क्यों है? अरे अरे, मैं तो खाना खाने आऊँ। इमोशनल ब्लैकमेल का ऐसे लोग मिले खाना नहीं डालते। ये सीन चेक करो, मैं तो इतना कम लेके आ रहा हूँ। इस भाई का पनीर देखो एक बार। हाँ भाई, क्या हो गया? फ्री का है तो मतलब है, अपना सोंटी भाई उधर गया। गाइस मैं खाना तो लेके आ गया हूँ, बट चम्मच नहीं लेके आया, मैं चम्मच लाना भूल गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज मुझे फूड ब्लॉगर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टे सुल्टे काम कर रहा है। क्या ये इसमें गुलाब जामुन में डालेंगे? और इसकी शक्ल देख लो, ये वीर शिवा का लौंडा है ये, बिना दही का सिंपल वाला। थैंक यू भाभी। कम खाना वाले भी बचाना, खत्म मत करना यार। भाभी प्लीज यार, मेरे को दो ही खाने दो बस। भाभी दो ही खाने दो बस। सो फाइनली हम लोग खाना ना खा के आ गए। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और सोंटी भैया ड्राइव कर रहे हैं। मैं तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा, हेलमेट पहन लेता हूँ पहले, नहीं तो भाई चालान कटेगा महंगा वाला। पिंक भयंकर वाला पोपट हो गया इस मार्केट में। आते आते हमारे साथ हमारा फ्यूल खत्म हो गया गाड़ी में, वो भी ऐसी जगह में जहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ से कुछ नहीं तो 5-6 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। अब क्या करोगे भाभी? अभी हम लोग हो चुके हैं पैदल, हमारे पास ना तेल है और यहाँ पर ना कोई पेट्रोल पंप है। हम लोग ये लेके आ रखे, इसमें तेल लेके आते हैं एक बार। पैदल पैदल जाना पड़ेगा अब तेल लेने के लिए, तो पैदल ही चलते हैं। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, गाड़ी यहीं पर ही खड़ी कर देते हैं। ता गाड़ी में तेल खत्म हो गया जी, बड़ा नूब हो गया हमारे साथ। सोंटी भाई और मैं जा रहे हैं पैदल पैदल तेल लेने के लिए। सोंटी भाई, हाउ इज दिस एक्सपीरियंस? देखा पकड़ो, कुछ नहीं बोलूँगा। बाय द वे, आज है वैलेंटाइन डे और हमारा वैलेंटाइन डे ऐसा हो रहा है गाइस, आप लोग देख लो, हमें तेल लेने जाना पड़ रहा है पैदल पैदल। कोई तो मिल जाओ यार तेल लाने के लिए। हाँ, दिस इज हाउ बॉय सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। तेल लाने मेरे को जाना पड़ेगा गाइस शॉर्ट। तो फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद गाइस, आधा घंटा पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा रहा, फिर जाके मिला ये, एक से मांग रखे ये गाड़ी से निकाल के बड़ी मुश्किल से। अब चलते हैं अपनी गाड़ी में, डालते हैं इस तेल को और फिर मिलते हैं आपसे सीधा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास पे। फिलहाल हम लोग अपना तेल डालते हैं गाड़ी पे। जो फालतू घूमते हैं ना, आज पता चल रहा है तेल की कीमत भाई, जब पैदल जाके लेके आओ ना, पूरा पसीना पसीना हो गया भाई। दिस इज द नेक्स्ट डे। कल ना हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था बीच रास्ते में, हम लोगों ने फ्यूल ले गया, उसके बाद ना हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जस्ट हम लोग घर को जा रहे थे तो एक प्रॉब्लम हो गई, ये पीछे का गाड़ी का टायर पंचर हो गया। एक ही साथ दो प्रॉब्लम हो गई, पहला पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डाला थोड़े आगे गए टायर पंचर हो गया, फिर टायर बनाने गई भाई धक्का मार के गाड़ी को लेके गए भाई, इतना दिमाग खराब हुआ ना भाई, व्लॉग नहीं बना पाए था। जो कल काम नहीं कर पाए हम लोग वो आज करेंगे। फिलहाल अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ, सोंटी भैया नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, तो लेट्स गो और इनके चरण छू लेते हैं। कल इसी जगह पे ना हमारा तेल खत्म हुआ था, ये लोकेशन चेक कर रहे हो आप, यहीं पर ही हमारा गाड़ी का तेल खत्म हुआ था। फिलहाल अभी सोंटी भैया और मैं यहाँ पर पहुँच के, तो सोंटी भैया को मैं लेके आ गया हूँ, सोंटी भैया मेरे साथ आ रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी सोंटी भैया का एक काम है, सरन के वहाँ जाना है, सरन यहाँ पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में उनका बहुत बड़ा बिजनेस वाला काम है, तो वहाँ पे ना चाय वाय भी मिल जाती है पीने के लिए। हाँ, वहाँ पे ना इतनी तगड़ी चाय बनती है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना भाई, वहाँ बैठ जाओ खुद ही आ जाती है चाय, और मना नहीं करना हुआ, सीधे पीना हुआ, फ्री में मिलती है वहाँ पे चाय, बढ़िया। चलो चलते हैं, चले और उसके बाद लैपटॉप ले रहे हैं। हाँ, उसके बाद सोंटी भैया को आज लैपटॉप भी लेना है अपना, अगर वहाँ चाय मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो चाय सुट्टा। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सरन के अंदर। कुछ सोंटी भाई ने कुछ पेमेंट करनी थी, जो कि सोंटी भाई ने पेमेंट कर दी है। ये सीन चेक करो आप, यहाँ का पता है फोटो किसने मनाया है, बट व्लॉग करना मना नहीं है।
फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी चाय का, जैसे चाय आती है फिर जाते हैं गाइस। फोटो अभी हम लोग आए हैं बिजनेस डील के लिए सोंटी भाई के साथ, तो यहाँ पे एक भैया मिले हैं, उनका नाम है, क्या नाम आपका? रवि सोन। रवि सोन, और आपका नाम? पूरन सिंह। और आपका नाम? प्रताप। सो ये सब लोग सरन अंकल के यहाँ पे काम वाम करते हैं, मतलब वर्कर्स ना? वर्कर्स। हाँ फिलहाल ये चेक करवा पीछे भाई, एक नंबर टाइल आइल सब कुछ एवरीथिंग। हाँ दा खींच का हमारा साउंड दा खींचते आपकी फोटो एक सेकेंड ना भैया, कुछ दिखा रहे हैं मेरे को, ये नीचे वाला दा। हाँ दा तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ से, भैया लोगों को अलविदा करते हैं। चलो भैया ठीक है, थैंक यू आप लोगों ने साथ दिया, थैंक यू भैया। सो चलो गाइस चलते हैं फिलहाल यहाँ से, एक नंबर लोकेशन है ये तो। वैसे सरन के यहाँ से अपना अपना सारा काम करके आ गए, वहाँ के लोग ना काफी ज्यादा अच्छे थे यार, ट्रीट करा हम लोगों को। फिलहाल अभी हम लोग आए थे सोंटी भाई का लैपटॉप लेने के लिए, और ये सीन चेक करो, सोंटी भाई का लैपटॉप आ गया है। कंपनी क्या नाम है? एसेंचर। भाई इंजीनियर बन गया है अपना भाई। तो फाइनली सोंटी भाई का लैपटॉप आ गया है, अच्छे काम करेंगे सोंटी भाई। अब घूमना फिरना बंद है? हाँ ऐसा ही सब। ये देखो कॉल भी आने लग गया है, कंपनी से कॉल भी आने लग गए हैं भाई। अब छोड़ भी दो लैपटॉप देखना बाबू, इधर मेरे को देख लो, मैं आया हूँ चाय सुट्टा बार में। अरे नहीं मैं इसकी प्राइस देख रहा हूँ ना, कितने का है? 55,000 में GTA 5 डाउनलोड करेंगे इसमें। 2000 years later. तो फाइनली अभी भी जस्ट हो अपने घर पे, सोंटी भाई को छोड़ दिया है फिलहाल। अभी मैं करता हूँ अपना लंच यार, मैंने लंच नहीं कर रखा है अभी, तो लंच टाइम हो गया है, लंच करने चलते हैं, लंच लेके आते हैं एक बार अपना। फाइनली अपना लंच, ये सीन चेक करो, तब पता नहीं क्या है यार, हरी सब्जी और ये अपना जूस, चलो खाते फिर मिलता आपसे। तो फाइनली मेरा लंच कंप्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम आराम भी कर लिया। फिलहाल कल ना इंदुदाची लोगों की एनिवर्सरी है, तो उनका कुछ स्पेशल सा सामान लेके आने के लिए अभी मार्केट जाना है इंदुदाची लोगों के साथ, तो लेट्स गो, चलते हैं मार्केट पे, अपना भी काम हो जाएगा और चाची लोगों का भी काम हो जाएगा। तो चाची इज वेटिंग आउटसाइड, तो लेट्स गो। तो चाची और चले गए मार्केट को, ये चेक करो, अभी हम लोग पहुंचे सिनेमा लाइन के पास पे। चाची अपना अपना केक खुद ही देने जा रही है ऑर्डर करने के लिए। उसका मूड भी आ रही है मस्त, मतलब ना चलो चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चाची गई अपना केक के लिए डिमांड देने के लिए, चाची अपना फोन में दिखा रही है। ये हार्ड वाले हैं, फिर ये हार्ड। तो चाची और पहुंच गए हैं घर पे, चाची के लिए एक चाचा के लिए गिफ्ट लेके आ रखे हैं, अभी चाचा के हाथों गाली खाते हैं हम दोनों। दिखाओ एक बार गिफ्ट, ऊपर करो ना पन्नी, तो ऊपर करो, अभी देखना कैसी गाली खाते हैं चाचा के आते हैं। फाइनली अभी हम जस्ट पहुंचे घर पे, हम लोगों ने मार्केट में थोड़ा काम था वो काम कर लिया था, उसके बाद जस्ट अभी घर पे पहुंच रहे हैं, तो बाकी की स्टोरी आपको पता ही है। ये गिफ्ट चाचा के लिए, इधर तो आओ एक ही बार, इधर तो आओ, इस पन्नी में आपके लिए कुछ है, एनिवर्सरी का गिफ्ट है। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, अच्छा ही है। क्या बोल रहे हो? मेरे पैसों से मेरे लिए गिफ्ट, एक बार देखो तो सही, गिफ्ट तो देखो फिर अपने क्या अपना, चाहे पापा को खोलने देना। अरे आप देखो तो सही पहले, वो मेरे पैसों से है ना, कैसा भी दूं मैं, कैसा भी कितने झेल लाऊं। लो चाचा आपका गिफ्ट, ये मैं पहन चुका हूं पहले, ऐसे प्रोडक्ट है मैं सेम पहन चुका हूं ऐसा। चाची तो बोली थी बहुत ही स्मार्ट लगते हैं मेरे पति इसमें। अरे यार मैं सेम पहन चुका हूं, ये लो एक और दूसरा, ये और इसने बोला सेम चीज लेनी चाहिए। बाय गॉड चाचा मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं तो वीडियो भी नहीं बना रखी है, जूता लेके स्पोर्ट्स शूज है इनके पास, मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला गाइस, जूता ये 900 रुपए का है, मेरे को पता। व्हाट एनिवर्सरी का प्राइस भी बता दिया, नहीं कराओगे? क्यों कराओगे, मैंने दिया ना जैसा दिया है वैसा पहनना पड़ेगा, उतने दिए वो भी झेलने पड़ रहे हैं मैंने, वो तो तुम्हारे पैसे से है, मेरे पैसे से मेरी कमाई है, मेरे को अच्छा वाला चाहिए था। ये देखना शकल, मैं तभी कुछ नहीं लाती हूँ। अरे यार थोड़ा पसंद तो आना चाहिए ना, ये तो सही बात है भाई, पसंद तो आना चाहिए ना, गिफ्ट अगर ला रहे हो तो किसी के लिए। तूने क्या मैंने बोला, बोला मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने बोला लो करके अपना जैसा जूता लेके आ रखी है। मैं तो गाइस कुछ नहीं बोलना चाहता इस मैटर पे, अगर आप लोग अपने किसी के लिए गिफ्ट लोगे तो पूछ के लेना पहले कि कौन सा कलर तुझे अच्छा लगता है। देखो अगर इससे मैंने 3 जूते तेरे पसंद के पहने, नहीं पहने पहने है ना, तो चौथा भी पहन लो, चौथा भी पहन लो।
मुश्किल से घिस रहा हूँ उनको, अब अच्छा वाला लूंगा लूंगा करके और वही दोबारा ये दिल में छुपी मेरी सारी सच्चाई।